माशाल्लाह जनाब मोहम्मद वकास हुसैन कादरी साहब खूबसूरत अंदाज में हदिया इनाम पेश कर रहे थे। आपकी हाजिरी के दौरान मोहतरम मकाम वाजिब उल एहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुर्रहमान जामी साहिब सीता मजदूर आप तशरीफ लाए। आपको अपनी तरफ से भी और अंजुमन वसना की तरफ से खुश आमदी पेश करते हैं। और स्टेज की जीना जिनाब मुफ्ती मोहम्मद वसीम हैदर कादरी रिजवी साहिब के साथ सराहाना मुस्तफ़ा जिनाब मोहम्मद उस्मान कादरी साहिब जिनाब मोहम्मद नजफ शरीफ नक्शबंदी साहिब इमरान कादरी साहिब और इसके साथ जिनाब मोहम्मद अनस अशरफ भाटी साहिब की तशरीफ फरमा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन सबका पढ़ना आप सबका तशरीफ लाना अपनी बात पर बुलंद बार का हमें कबूल और मंजूर फरमाए। मैं बिला तख़ीर ही मुल्तवी सुमो के पाकिस्तान का अजीम नाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस इलाके की जो शान जो है इनके इन्होंने एक पहचान बनाई है इस इलाके की अपना सिक्का बनवाया है अपने इस फील्ड के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बना इज्जत उसे नवाज रखा है। और आपने इन्हें जियो न्यूज़ पे और ओल न्यूज़ पे अक्सर सुना होगा और इनके बहुत सारे चैनल्स पे भी ये पढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बना इज्जत उसे नवाज रखा है। मेरी मुराद जनाब मोहतरम मोहम्मद उस्मान उबैद कादरी साहिब आपसे मुतमी सूखे आप तशरीफ लाएँ और हदिया नात और हुज़ूर सर ने कौन है पेश करने की सआदत हासिल कीजिए। आप अहबाब ज़ौक के लिए एक नारा लगाइए नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे वासिया तकबीर 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 मोहम्मद उस्मान भाई से रिक्वेस्ट करूंगा बड़ी मेहरबानी आप आगे तशरीफ ले आएंगे अल्लाह आपको आबाद रखे। आप हम से ही बात कर रहा हूँ आप पीछे मुड़ के देख रहे हैं पीछे भी कोई है जो स्टेज के करीब हो अल्लाह उसे मदीना पाक के करीब करते और आबाद रहे वो शख्स जो हुज़ूर की ज़ात पे दुरूद पाक पढ़े। यकीनन बिल यकीन दुरूद पाक सबसे बड़ी इबादत है और ये ऐसी इबादत है जो हर बार है। मशकूर व ममनून हूँ तमाम इंतज़ामिया का तमाम भाइयों का स्पेशली अब्दुल वहाब दयाल साहब का इनकी मोहब्बतें सारा साल शाम में हाल रहती हैं। अल्लाह मेरे भाई को दिन उनकी राज अपनी तरफ अल्लाह को नमा आइए मेरी मोहब्बतों की इज्जत के साथ मुझे ये बताइए कि किस किस का अकीदा है कि उनका नबी जिंदा है। सबका अकीदा है माशाल्लाह चौहान चौहान आप कितना आगे आते हैं बड़ी मेहरबानी जगह पीछे आने वाले जो है उनके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। सबका कीना है कि आपका जिंदा है और जिसका कीना है ना कि आपका जिंदा है आप दुनिया में कहीं से भी दूर पाक पड़े और पाकिस्तान हो हिंदुस्तान हो इंग्लैंड हो कैनेडा हो ऑस्ट्रेलिया हो कहीं से भी दूर पाक पड़े आपका सुनते हैं ना सब सुनते हैं बल्कि गुलामों के चेहरे भी देखते हैं। अब जिसका कीना है कि आका उसे देख रहे हैं और वो आका को दूर पाक सुना रहा है उसकी बुलंद आवाज़ आएगी। मैं तो यूँ कहा करता हूँ कि मदीने वाला जिसे तौफीक देगा ना उसी की आवाज़ आएगी। बाकी जब किसान बुलंद आवाज के साथ मुझे बात पेश कर दीजिए पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि गया आसमान कर तेरे तलवों का नजारा